framework statement. Item number 3. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the finance number 2 bill 2024. प्रश्न ये कि विधेयक को पूरा स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हां कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हां वालों के पक्षवा अनुमति प्रदान की जाती है. माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पूरा स्थापित करें. सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल. आइटम नंबर 4. द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बजट. Sir, I rise to present a statement, Hindi and English versions, of the estimated receipts and expenditure of the Union Territory of Jammu Kashmir for the year 24-25. सभा की कार्रवाई कल बुधवार दिनांक जुलाई 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. देख रहे थे न्यू टैक्स रिलीफ में 3 लाख रुपए में कोई अतिरिक्त भार नहीं दिया गया है, कोई टैक्स नहीं लगेगा. बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, नए रिजिम में 3 से 7 लाख आय पर 5% टैक्स, और इस तरीके से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है. थोड़े कुछ बदलाव जरूर देखने को मिल रहे हैं मोदी सरकार का. ये एक बार फिर जो बजट सामने आ रहा है इसमें 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगने की बात है. नई रिजिम में 3 से 7 लाख की आय पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा. जी हाँ, और कहीं ना कहीं ये जो टैक्स का 5% का भार आम जनता पर पड़ने जा रहा है, इससे जेब थोड़ी सी भारी जरूर होने वाली है. टैक्स स्लैब में ये कुछ बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं, और देखना यह है कि इसका कैसा असर पड़ने वाला है. 3 से 7 लाख अगर आपकी आय है तो आपको 5% टैक्स देना होगा. 10 से 12 लाख तक की आय में आपको ये टैक्स की जो दर है ये बढ़ जाती है, और ये टैक्स की दर बढ़ाकर आपको और ज्यादा भार जेब में पड़ने वाला है. 15% टैक्स आपको 10 से 12 लाख तक की इनकम में देना पड़ेगा, और ये बड़ी खबर है. आप देखिए, अभी हाल ही में संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है, और इस बजट पेश करने के दौरान आपने देखा कि बहुत सारे कुछ बदलाव देखे जा रहे हैं. 7 से 10 लाख तक में 10% टैक्स देना होगा, और 10 से 12 लाख तक की आय में आपको 15% टैक्स देना होगा. नई रिजिम में 3 लाख तक में आपको कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन 3 से 7 लाख अगर आपकी आय है तो आपको 5% टैक्स भरना पड़ेगा. ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, और सबसे जो बड़ा ये झटका भी कह सकते हैं, क्योंकि आम जनता की जेब पर असर पड़ने वाला है. जो अभी तक महिलाओं में खासतौर पर महिलाओं को अच्छी खासी छूट थी, लेकिन अब ये एक्स्ट्रा बजट जो है जेब का, ये बजट हिलेगा थोड़ा, क्योंकि टैक्स स्लैब में ये एक बड़े बदलाव इस बार किए गए हैं. तो देखिए, 3 लाख तक अगर आप किया है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन 3 से 7 लाख तक की अगर आप इनकम करते हैं तो आपको 5% टैक्स देना होगा. 7 से 10 लाख तक की इनकम है तो आपको 10% टैक्स देना होगा, और 10 से अगर 12 लाख तक की इनकम है तो आपको 15% टैक्स भरना पड़ेगा. जी हाँ, बड़ी खबर आपको देना है. और हाल ही में मोदी सरकार 3.0 बजट 2024 पेश किया गया, और इसमें ये बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं. तो टैक्स के अलावा और भी बहुत सारी जो सौगातें हैं वो आम जनता के साथ साथ किसानों को और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मिलने जा रही है. लेकिन जो टैक्स है, जो दर बढ़ाई गई है, जो दर में बदलाव किया गया है, इसके चलते जरूर आम जनता की जेब में असर पड़ने वाला है. तो बाकी और भी कुछ दूसरे सेक्टर्स पर छूट दी गई है, लेकिन ये एक बड़ा झटका भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं, ये अब उन टैक्स जो देंगे इसका अब उनके जेब पर एक्स्ट्रा असर होगा. 3 लाख तक में कोई टैक्स नहीं, 3 से 7 लाख तक अगर आपकी आय है तो 5% टैक्स आपको देना होगा, और 7 से 10 लाख रुपए तक की आय है तो आपको 10% टैक्स भरना पड़ेगा, और 10 से 12% अगर आपकी आय है
तो 15% टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो मोदी सरकार 3.0 के पहले यूनियन बजट 2024 से मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स, किसान, महिलाओं, कारोबारियों और सैलरीड क्लास को बड़ी उम्मीदें हैं। अब ये उम्मीदें कितनी पूरी हो रही हैं ये तो आपने बजट में सुना ही है, लेकिन जो एक्स्ट्रा भार अब पड़ने जा रहा है आम जनता की जेब में, ये जरूर थोड़ा दिक्कत देने वाला है। अब देखना यह है कि जो टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं इसको लेकर किस तरीके के रिएक्शन सामने आते हैं, और सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ ममता लांजेवाल जुड़ गई हैं। ममता, टैक्स स्लैब में बदलाव हुए हैं, जानिए पूछिए आम जनता के किस तरीके से रिएक्शन, और अभी आप कहां पर मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए अभी इस वक्त तो मैं राजीव भवन में मौजूद हूं, और राजीव भवन में सबसे पहले हम रिएक्शंस लेते हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष ने बजट पेश किया है तो जाहिर तौर पर विपक्ष का क्या है कहना है, और उसके साथ आम लोग भी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए टैक्स स्लैब में भी चेंजेस आए हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसी बातें हैं जो निर्मला सीतारमन ने कही कि पहली नौकरी करने वालों के लिए 1,00,000 रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफ में जो है पहली बार रजिस्टर करने वालों को 15,000 रुपए की मदद लोन किस्तों में दिया जाएगा। एजुकेशन लोन यानी जिन्हें सरकारी कोई मदद नहीं मिलती है उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा, लोन का 3% तक पैसा सरकार देगी, इसके ई वाउचर्स लाए जाएंगे। किसान, युवा, महिला और गरीबों के विकास के लिए अलग अलग योजनाओं के जरिए बेनिफिट स्कीम लाई जाएगी। 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट जारी किए जाएंगे, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम। बहुत ही दुखद, निराशाजनक बजट, किसानों के लिए कुछ नहीं, एमएसपी गारंटी पर कुछ नहीं। कहते थे 2022 तक किसान की आय दुगनी करेंगे, क्या है उसके लिए, और लोन देने की बात करते हैं। इस लायक इस देश के नागरिकों को कब बनाएंगे ये लोग कि लोन